पहले से पता था ये लोग की शक्ल देखूंगा तो बीटल नट्स किया जा रही बीटल ऐसे सोचा था बड़े सीरियसली स्टार्ट करेंगे मैं भी वही सोच रहा था कि अभी क्या होगा एक्चुअली लग रहा था कि कुछ होएगा एक्चुअली पुराना दोस्त है अपना इसलिए तो आज हमारे साथ रोहन है रोहन श्रॉफ और रोहन अभी तो खैर ही इज फुल्ली इनटू योगा योगा प्रैक्टिस एंड ही आल्सो टीचेस योगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग लेकिन हमारा कनेक्शन तो कॉलेज के डेज से मेरा और रोहन का हम ठाकुर के गांव से आते हम दोनों का हम दोनों का हम तीनों ठाकुर जी को फॉलो करते हम ठाकुर के गांव से आते हैं और उसके बाद में मैं आप लोग साथ में बीटल नट्स भी कर रहे थे तू पॉल करता था ना पॉल ये पॉल और वो जॉर्ज पॉल मैं जॉर्ज और तुम छोटे बड़े हमारे नाम थे तुम लोकल बॉयज हो ना छोटे बड़े हम लोग इंटरनेशनल थे तो मुझे पता नहीं तुझे रोहन के बारे में और कितना पता है ज़्यादा मतलब एक तो अभी एक रोहन जो है लेकिन जितना मैंने देखा था जब मैं फर्स्ट टाइम रोहन से कॉलेज में मिला था तो इसके थ्रू मुझे एक्चुअल में पता चला था कि थिएटर नाम की कोई चीज़ होती है अपने को तो एक ही थिएटर पता था मूवी थिएटर मूवी थिएटर नहीं मेरे को पता था तुझे पता था मुझे भी पता था इसके बारे में नहीं थिएटर के बारे में अच्छा थिएटर का मुझे नहीं पता बाद में था ये बाद लेकिन जब इससे मिला ना मैं तो एक दिन ऐसे इसके घर पे बैठे थे तो इसने बोला चले यार मेरे को निकलना है और मुझे थिएटर जाना है तो मैंने बोला थिएटर जाना है कौन सी पिक्चर देखने जा रहा है तो उसने ऐसे देखा मेरे को ऐसे बड़ी ऐसे नीची नजरों से आदमी वो छोटे भी है ना तो नीचे देख रहा तो मैंने बोला कौन सी पिक्चर देखने जा रहा है बोला अभी मैं थिएटर जा रहा हूँ थिएटर्स करता हूँ मैं मतलब थिएटर्स करता है मतलब क्या होता है थिएटर्स में क्या होता है तो इसने तभी मुझे एक्सप्लेन किया और आई थिंक उस टाइम तक तू काफी सालों से जब हम लोग थे साथ में कॉलेज में तो कौन से ईयर से तूने स्टार्ट किया? नहीं, आई थिंक तभी मैंने स्टार्ट किया 2001 में और 2001 में हाँ थिएटर क्या एज होगी तेरी आई वाज 18 18 और हम लोग आई थिंक मिले फर्स्ट ईयर बीकॉम में तब शायद एक साल हो गया होगा मुझे साल हो चुका एक डेढ़ साल हो गया था मुझे करते हुए रेगुलर यू वर विद दिनेश ठाकुर हाँ अंग थिएटर ग्रुप दिनेश ठाकुर जो थे उनके साथ में थिएटर पृथ्वी में शोज होते थे उसके अलावा बहुत सारी जगह पे मुंबई में बहुत जगहों पर और फिर ऑल ओवर इंडिया भी होते थे तो तभी इसने मुझे एक्सप्लेन किया कि थिएटर का हमारा एक ग्रुप है वहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और काफ़ी सारे शोज में देखने भी गया था इसके बहुत फेमस शोज में आई थिंक तूने काम किया है और कौन कौन से तू बता सकता है जिस लाहौर नहीं देखा एक असगर वजाहत उनका प्ले है बहुत ही फेमस प्ले है बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप्स ने उसको परफॉर्म किया अच्छा अलग अलग ग्रुप्स में भी अपार्ट फ्रॉम दिनेश ठाकुर हाँ बहुत अलग अलग लोगों ने तो बहुत अच्छा एकदम सीरियस ड्रामा है पर बहुत ही अक्लेम्ड है और बहुत लोगों ने उसकी तारीफ की है तो वो है जात ही पूछो साधु की विजय तेंदुलकर साहब के बहुत सारे प्लेस किए हैं तो वो सटायर होते थे यू नो सोसाइटी पे तो वैसे वाले प्लेस किए हैं उसके बाद कॉमेडी शोज भी बहुत किए हैं जो आउट एंड आउट कॉमेडी है मतलब कुछ हाय मेरा दिल किया हाय मेरा दिल जो बहुत लंबे समय से चल रहा है अभी तक चल रहा है अभी तक चल रहा है मेरा दिल हाँ आई थिंक इट्स बीन 35 ईयर्स और सो अभी तक चल रहा है वो प्ले क्योंकि और मैंने एक्चुअली देखा है जब सर बोलते थे दिनेश जी कि लोग अपने बच्चों के साथ आ रहे हैं जब वो खुद बच्चे थे तब आए हैं अपने पेरेंट्स के साथ तो मुझे लगता था यार सच में ऐसा होगा क्या बट मैंने खुद देखा है कि मतलब इतने सारे लोग आ रहे हैं अपने बच्चों के साथ और बोल रहे हैं कि हम अपने पेरेंट्स के साथ आके ये प्ले देख चुके हैं एंड दे स्टिल कम बिकॉज उनको लगता है कि यार क्लीन कॉमेडी है मज़ा आ रहा है कुछ चेंज नहीं किया है ऑफकोर्स टाइम के साथ कुछ चीज़ें चेंज होती है एक्टर्स चेंज होते हैं पर कंटेंट वही है यानी 35 ईयर से वो चल रहा है अभी थिएटर्स में यानी डीडीएस का रिकॉर्ड तोड़े वो भी थिएटर में लगी है नहीं नहीं एक्चुअली नहीं प्लेस तो खैर बहुत पुराने पुराने प्लेस हैं इंडिया में एज ही राइटली सेड मतलब मेरे को तो इसके थ्रू ही पता चला मतलब थिएटर के भाषा में बोले तो यही हमारे गुरु हैं और एक्चुअली मेरे ख्याल से इसने थिएटर के अलावा भी एक फिल्म भी की है ना कुछ 8 फिल्म थी शायद फिल्म की है 2-3 फिल्म्स की है थोड़ा बहुत टीवी भी किया है बट मेनली सीआईडी में देखा सीआईडी में सीआईडी नहीं क्राइम पेट्रोल की क्राइम पेट्रोल क्राइम पेट्रोल में देखा मैंने फिर सुभाष घाई की एक फिल्म भी की थी साइकिल केक वो रिलीज हुई थी वो रिलीज हुई थी ओके 2012
2012 में आई थिंक रिलीज हुई थी, और उसको बहुत ज्यादा कुछ वो ऐसा हाँ प्रमोशन नहीं, प्रमोशन और डिस्ट्रीब्यूशन आई और गई ऐसा टाइप था। ओके, ब्रिटिश फिल्म भी की थी तो थोड़ा बहुत मीडिया में काम किया, बट ज्यादातर थिएटर ही रहा पूरे 15 साल 2001 से आई थिंक 2016 तक बहुत ही मतलब रेगुलर बेसिस पे कर रहा था मैं, फुल फ्लेज्ड। तो मतलब हम लोग तो देखो देख रहे हैं काफ़ी टाइम से, जानते हैं, बट फॉर द पीपल हु डोंट नो यू, मेरे को हमेशा एक क्यूरियोसिटी रहती थी, ऑल दो आई नो द ट्रांसफॉर्मेशन एंड यू नो द पाथ विच यू टुक एज अ योगा एंड योगा टीचर, बट फॉर मी मतलब क्योंकि मैं भी उस जर्नी से गया हूँ थोड़ा बहुत, बट अगेन 15 साल मतलब 2001 से लेके 2015-16 अगर पकड़ें ओवरऑल 15 साल एक फील्ड में डेडिकेट करना, और उसके बाद में एक थॉट पे आना कि यार ये मुझे छोड़ना है, एंड स्पेशली व्हेन वी सी लॉट ऑफ यू नो यंग किड्स, तू तो हालांकि ब्लेस्ड है बिकॉज यू हेल फ्रॉम मुंबई, यू हैव अ गुड बैकग्राउंड, सपोर्टिव बैकग्राउंड, आई नो योर फादर अमेजिंग पर्सनैलिटी इंक्लूडिंग मदर, सो दे हैव बीन वेरी सपोर्टिव टू यू कॉन्टेक्स्ट टू थिएटर्स, बट जो बच्चे हैं ना जो कुछ किसी से इंस्पायर होके आ गए, किसी का इंटरव्यू देख के आ गए, तो जैसे कुछ दिन पहले हम लोग कुछ ऑडिशंस ले रहे थे कुछ एक शो के लिए, तो एक लड़का आया और ठीक ठाक ऑडिशन दिया उसने, तो जब भी ऐसे किसी से मिलते तो वी ट्राई टू डिस्कस विद देम, मीट देम, अंडरस्टैंड कि यार क्या थॉट प्रोसेस से आ रहा है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना एक एक्टर के लिए। तो मैंने उसको पूछा कि ये कब से कर रहे हो आप, तो बोला कुछ नहीं सर मैंने ऐसे ही देखा था, इसका इंटरव्यू देख लिया, उसका इंटरव्यू देख लिया, तो मैंने बोला कुछ और भी कभी ट्राई किया लाइफ में, तो उसने बोला कि मैं एमपी में क्रिकेट खेलता था बहुत अच्छा। अच्छा, तो मैंने बोला यार वो क्यों नहीं परस्यू किया, तो बोला नहीं मेरे को ये एक्टिंग का कीड़ा लग गया, और फिर मैंने सोचा एक्टिंग में जाता हूँ, और वो बंदा मतलब जितना उसने बताया उसके फादर का बहुत अच्छा सेट बिजनेस है, वो बहुत अच्छा क्रिकेटर भी था, और यंग बंदा मतलब 21-22 साल का होगा शायद, उससे भी कम होगा, और उसने बोला फिर मैं यहाँ पे आ गया, फिर अभी मैं 2-3 साल से यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। तो मैंने बोला यार तू ये कब तक करेगा, क्योंकि मैं जितना तेरे को अभी फ़िलहाल जज कर पा रहा हूँ, और मैंने एकदम ब्लेटेंटली उसको मुँह पे बोला, मतलब सी वो क्राफ्ट मुझे फ़िलहाल नहीं दिख रहा है, एंड आई वुड बी हैप्पी टू बी प्रूवन रॉन्ग इन फ्यूचर, बट तुझे यही क्यों लगता है कि एक्टर ही बनना है, कुछ और भी कर सकता है ना लाइफ में, तू बहुत अच्छा एक फाइनेंस का यू नो एम्प्लॉय बन सकता है, कहीं पे बैंक में जाके नौकरी कर सकता है, एक्टर ही क्यों बनना है तेरे को। तो मुझे वो ऐसे उसने ऐसी बातों में डायलॉग मारा कि मनोज वाजपेयी ने बताया था कि उनकी मम्मी ने एक बार बताया था, बोल रही थी इंटरव्यू में कि जिसको सक्सेस नहीं मिली ना उसको बेवकूफ़ मत समझना। तो मैंने बोला बात तो तेरी एकदम परफेक्ट है, उनकी मम्मी ने भी एकदम परफेक्ट बोला कि भाई जिसको सक्सेस नहीं मिला उसको बेवकूफ़ मत समझना, लेकिन तुझे मनोज वाजपेयी की मम्मी की बात समझ में आ रही है, अपनी मम्मी की बात समझ में नहीं आ रही है। तो हंसा थोड़ा सा। तो मतलब सॉरी मैं बहुत लंबा डिटोर ले लिया मैंने, सो फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन आउटसाइडर ऑल्सो फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव, 15 साल एक इंडस्ट्री में डालना मतलब जी तोड़ मेहनत करना, आई सीन यू मतलब मैंने देखो पोछा लगाते हुए भी देखा है वहाँ पे थिएटर्स में, मतलब वो तो सब बहुत जबरदस्त मेहनत की थी इसने, एंड स्पेशली नॉट ट्राइंग टू मतलब फ्लेक्स मारने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बट ही हेल्स फ्रॉम अ वेरी गुड बैकग्राउंड, सच बताऊँ तो इसको वो सब करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी नहीं फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लेकिन फिर भी वो जो डेडिकेशन है वो मैंने इसको देखा हो, मतलब वो पसीना बहाते हुए मैंने इसको देखा है थिएटर्स में, वो चीज़ में 15 साल डालना, अपना खून पसीना एक करना, बहुत पैसा भी इन्वेस्ट होता है उसके अंदर, क्योंकि कुछ ज़्यादा पैसा मिलता नहीं थिएटर्स में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अब पता नहीं, हाँ पर हाँ उस टाइम पे तो मुझे हिंदी थिएटर में तो खैर इतना नहीं हार्डली कुछ है, हाँ। तो स्पेशली फॉर एक्टर्स तो कुछ मैं एक नॉमिनल कुछ जेस्चर मिल गया तो मिल गया, कभी और तालियां मिल गई तो आदमी इसी में खुश हो जाता है, है ना, वही पैसा है, बस उसी से पेट भरो। तो वो सब करने के बाद 15 साल ये डेडिकेशन से थिएटर में इतना खून पसीना एक करने के बाद में
व्हाट वाज दैट मोमेंट जहां पे तुझे लगा कि नहीं यार बस अब ये हो गया, अब मुझे कुछ और करना लाइफ में, स्पेशली योगा? सो व्हाट वाज दैट मोमेंट? तो मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, स्टार्टिंग फ्रॉम थिएटर, कि वो कैसे हुआ और ये डिसीजन पे कहाँ से आए, क्योंकि उसके बिना वो अधूरा, शायद अधूरा लगेगा. तो बचपन से मूवीज का बहुत शौक था, मतलब यू नो हम मैं तो 82 बॉर्न हूँ, तो उस टाइम पे VCR और वो सब आता था. तो वो घर पे होता नहीं था, मतलब वो एक नॉवेल्टी थी. ट्रू. तो हम रेंट पे लाते थे, मैं दिल्ली में रहता था, आई वॉज बॉर्न इन दिल्ली. तो हम लोग संडेज को रेंट पे लेके आते थे पूरे दिन के लिए, 24 आवर्स के लिए मिलता था. उसमें आप जितनी फिल्म्स देखना चाहते हो देख लो. अच्छा, VCR ही लेके आते थे उठा के? हाँ, पुराना स्टाइल है. वही वही. तो वो रेंट पे मिलता था ना, तो इतना मतलब उसका ये था, पैशन था देखने का, कि कम से कम 5-6 फिल्म्स ले आए और दिन भर मतलब फिल्म्स देख रहे हैं. तो आई स्टिल रिमेंबर शोले और ऐसी सारी फिल्म्स, मतलब बार बार एक ही फिल्म देखी हुई है, बार बार देख घिस डालते थे वो टेप को, घिस जाती थी, मतलब डायलॉग्स याद हो चुके हैं. और तो तब से ना वो एक्टिंग बहुत मतलब ये था. एंड आई स्टिल रिमेंबर बचपन में, मतलब मैं अपने पेरेंट्स को बोलता था मुझे आर्मी में जाना है, या अगर मतलब आर्मी में जाना है ये कहता था. तो ये सारे बच्चों का होता है एक्चुअली, आर्मी का तो सबका, आर्मी और पायलट, क्रिकेटर और आर्मी. तो पेरेंट्स ने कभी उस चीज के लिए मतलब सपोर्ट ही नहीं किया. अच्छा. तो नहीं नहीं नहीं, उसमें नहीं जाते, मर जाते हैं और ऐसे सब. तो मैं इतना छोटा सा, और फिल्म्स का तो पहले से मतलब ये था, क्रेज था. तो फिर धीरे धीरे उस मतलब वही, आई थिंक 10 का भी नहीं होऊंगा, 10 साल का, उसके पहले से ही मतलब ये था कि एक्टर बनना है आगे जाके. तो कोई पूछता था तो एक्टर बनना है, एक्टर बनना है. तो धीरे धीरे वो बढ़ता गया मतलब उसके लिए ना इंटरेस्ट. और फिर मुंबई मूव हो गए 95 में, उसके बाद ज़्यादा ही मतलब एक्सपोजर मिलता गया, कभी जाके शूट भी देख लिया. ओके. तो ऐसे से पॉसिबिलिटी हो जाती थी बॉम्बे में, तो मज़ा आने लगा. ऐसा लगा यार क्या लाइफ है ये. और देखते थे मैगजीन्स और न्यूज़ और ये सारी चीज़ें, तो उनकी लाइफ और सब देख के ना हमेशा ऐसा लगा ग्लैमर, 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 ये चाहिए, मज़ा आएगा, ये करना है. और एक्टिंग तो मतलब अच्छा ही लग रहा था करने में. तो अमिताभ बच्चन एकदम मेरे फेवरेट, मतलब कि है ना वैसा पर्सनालिटी चाहिए, वैसी एक्टिंग करनी है. सो एनी वे, मतलब धीरे धीरे वो जब मैं 10th में आया, तो मैं अपने मेरे फादर को मैं बहुत मतलब मैंने ये किया कि मुझे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जाना है. ओके. विच इज़ इन दिल्ली. मुझे पता चला, मैंने थोड़ा उसका रिसर्च किया और मुझे पता चला कि बहुत कम इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया में जो आपको एक्टिंग या डायरेक्शन या इन इस फील्ड में, ये सारी फील्ड में आपको सर्टिफिकेट देती है, मतलब डिग्री मिलता है. ज़्यादा नहीं है. आई थिंक अभी आए होंगे शायद कुछ. अभी पुणे में भी है ना एक. पुणे में एक है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट, और दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा. ये दो रिकग्नाइज हैं. तो तब मुझे ये नहीं पता था कि NSD में जाने के लिए कुछ क्राइटेरिया होता है. ओके. अच्छा. तो ये फिर मेरे फादर ने उस वक्त नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में राम गोपाल बजाज, जो बहुत ही फेमस एक्टर भी हैं, वो उस वक्त उसके हेड थे. अच्छा. तो थ्रू उनसे कनेक्ट किया, बात की, और उन्होंने बताया कि आप ऐसे ही नहीं मतलब जा सकते, उसके लिए क्राइटेरिया ये है कि आपको ग्रेजुएट होना है किसी भी फील्ड से. अच्छा. और आपको 10 नाटक का अनुभव होना चाहिए. 10 नाटक का अनुभव होना चाहिए. हाँ, मतलब थिएटर कर चुके रहने. हाँ, कुछ भी आपने सारी चीज़ें, मतलब ऐसा नहीं कि मेन रोल किए हो, बट उसका अनुभव लेके आइए. आपने स्ट्रीट प्ले किया हो, कोई भी नाटक किया हो, वैसा. अच्छा. एक पार्टिसिपेशन चाहिए, मतलब एक्सपीरियंस चाहिए. 10 नाटक, 10 नाटक का. तो ये उनका क्राइटेरिया था. ओके. अब मैंने कहा उसके लिए तो वेट करना ही पड़ेगा, पर ग्रेजुएशन के लिए वेट करना पड़ेगा, पर नाटक 10 नाटक के लिए स्टार्ट कर ही सकते हैं. तो मैंने मेरे फादर उस वक्त उनके ऑफिस में एक उनके पार्टनर थे अरदेंदु बोस, जो सुभाष चंद्र बोस के भतीजे भी हैं. अच्छा. और वो मॉडल थे, परमानेंट मॉडल सियाराम के. अच्छा. अगर अच्छा. आपको याद हो, एकदम पहले परमानेंट मॉडल ऐसे थे वो. ओके. और उनकी पर्सनालिटी भी थी एंड एवरीथिंग. तो वो अंक में दिनेश ठाकुर जी के साथ एक प्ले करते थे, वो अंजी. ओके. और वो भी बहुत बड़ा, बहुत ही अच्छा नाटक रहा है, विजय तेंदुलकर का. तो वो नाटक की वजह से वो दोनों फ्रेंड्स थे. अच्छा. तो ऐसे ही मेरे फादर ने उनसे बात की होगी अरदिंद बोस से, बिकॉज नोइंग कि वो इस फील्ड में है. तो उन्होंने बोला कि इसको बोलो दिनेश ठाकुर के पास जाके करें. अच्छा. तो मैंने फ़ोन किया दिनेश जी को, मैंने कहा सर, उन्होंने ऑलरेडी बात कर ली थी अरदिंद अंकल ने कि ऐसे ऐसे रोहन है, उनको कुछ नहीं बोला उन्होंने, बोला ठीक है उसको बोलो फ़ोन करें.
तो मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा नमस्ते सर, अरधेंदु अंकल ने आपका नंबर दिया और बोला कि आपसे बात करने के लिए। तो बोले हाँ बोलो। मैंने कहा सर मुझे थिएटर ज्वाइन करना है, आपका ग्रुप ज्वाइन करना है। तो बोला पहले ग्रेजुएशन करके आओ फिर करना। और अच्छा। रख दिया फ़ोन। अच्छा। तो मैंने कहा कि अब मैं सोच रहा हूँ मैं करूँ क्या, वापस कॉल करूँ क्या करूँ मतलब। बोले सर ग्रेजुएशन कर लिया मैंने। कभी अभी। तो करके फोन किया था। मेरे डैड आए घर पे शाम को, तो मैंने बताया, उस वक्त मोबाइल तो था नहीं, 99 की बात है आई थिंक। तो मैंने डैड को बोला कि ऐसा ऐसा हुआ, उन्होंने तो फ़ोन भी रख दिया। तो उन्होंने फिर बात की, उन्होंने बोला कि अभी मत आने बोलो उसको। एक्चुअली व्हेन आई लुक बैक नाउ, व्हेन आई रिफ्लेक्ट, तो मुझे लगता है कि सही चीज़ है, आपको ये सारी चीज़ें तैयार करती है। ट्रू। ग्रेजुएशन है, बाकी सारी चीज़ें, लोग पढ़ाई को बहुत बार नहीं इम्पोर्टेंट समझते हैं, पर उस पर भी आऊँगा कि मुझे मेरे लिए कैसे फ़ायदा हुआ। तो तब फिर मैंने सोचा चलो जाने दो, वो मना कर रहे हैं तो अब मैं कैसे फ़ोर्स करूँ उनको। एक्चुअली मतलब थोड़ी कोशिश करनी चाहिए थी, प्लेस जाके देखनी चाहिए थी, वो सब नहीं कर पाया मैं। और फिर ट्वेल्थ के बाद मैं फिर उनके पीछे पड़ा। मैंने मेरे डैड को कहा कि आप प्लीज़ बात कीजिए उनसे, और मुझे करना ही है। okay, क्योंकि अब 3 साल है मेरे पास, 3 साल एटलीस्ट मैं एक्सपीरियंस ले लूँगा, तो बाद में NSD जा सकता हूँ। तो गया मैं, पृथ्वी में ही उनका नाटक चल रहा था उस दिन मुझे बुलाया, और मुझे बुला के मैं और मेरे डैड दोनों गए मिलने के लिए। तो बिठाया मुझे, बोला कि हाँ बताओ। मैंने कहा सर 2 साल पहले आपको फ़ोन किया था और मैं अब भी आपको ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो बोला ग्रेजुएशन कर ली? मैंने कहा नहीं सर, अभी तो 12th क्लियर किया है, ग्रेजुएशन करके आओ फिर ले लूँगा, जाओ। अब आगे इसका कोई रीज़न तो होगा ना, ग्रेजुएशन करके और फिर ले लूँगा, शायद ये हो सकता है कि तुम कितने सीरियस हो तब तक उतना रहता है कि नहीं रहता है, ये भी जानने के लिए। लेकिन 2 साल बाद जा रहा है ना यार, अगला 2 साल, फिर भी उन्होंने क्या हिसाब से बोला होगा, पहले करके और पहले करके जिस तरीके से बोला है ना, पैशन वो फायर वो उसके वो टाइम पीरियड तक है कि नहीं, वो देखने के लिए कि क्या शायद बीच में स्विच करने का सोच रहे हैं। मेरे हिसाब से क्या रीज़न होगा, ये क्यों बोल रहे हो? एक तो ये सही रीज़न है कि आपका आप पढ़ते पढ़ते ग्रेजुएशन करते करते क्या अब भी आपको वही करना है जो आप बचपन से सोच रहे थे? कि चेंज हुआ ग्रेजुएशन के बाद, बहुत लोगों को कुछ और नौकरी मिल जाती है, कुछ होता है तो लगता है छोड़ो यार ये लाइफ सही है, और मैंने देखा है बहुत लोगों को ऐसा होता है, और जो सही भी है, सही भी है। तो पर मैं थोड़ा सा मुझे बुरा लग गया, मैंने कहा यार ये तो कर ही नहीं रहे, और मैंने बोला कि मुझे करना ही है। अब थोड़ी जिद सी भी हो गई, और मुझे था बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट, तो मैंने डैड को बोला आप प्लीज़ वापस बात करो। तो उन्होंने फिर अरधेंदु अंकल को फोन किया, उन्होंने वापस कॉल किया, वो मीटिंग के बाद, वो मीटिंग के बाद ओके, उन्होंने अगले दिन बुलाया, और दिनेश जी ने मुझे बुलाया, और इस बार बोला कि अकेले आओ, डैड को लेके मत आना, पिटाई करनी तुम्हारी। पीछे पड़ के लड़ाई। तो मैं गया, मैंने कहा, मुझे पूछा क्यों करना है? मैंने कहा सर एक्चुअली मुझे NSD जाना है, और उसके लिए ये सब एक्सपीरियंस भी चाहिए, और मुझे मतलब करना है थिएटर, एक्टिंग ही करनी है। बोले चलो ठीक है, जुड़ जाओ ग्रुप से, ग्रुप में आज से। क्या बात है। तो उस दिन बस जुड़ गया, और कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी प्ले चल रहा है, मतलब सारी तैयारी चल रही है, शाम को 6 बजे शो है, सब लोग अपने चहल पहल चालू है। अच्छा। अब मैं उसमें समझने की ट्राई कर रहा हूँ कि मैं कहाँ फिट हो सकता हूँ, क्या करूँ, कोई एक्सपीरियंस नहीं, जीरो, कुछ भी नहीं आइडिया। बट वो मतलब वो फर्स्ट डे था, और उसके बाद धीरे धीरे जो काम करते गए, बहुत सारी चीज़ें की थिएटर में, इट्स फन, बहुत मज़ा आया। मतलब मैंने पता ही नहीं चला कि, मतलब मैं सोच के आया था कि 3 साल करूंगा और फिर ग्रेजुएशन के बाद NSD जाऊंगा, वो सारे प्लान सब अलग हो गए, चेंज हो गए। अच्छा, वो ज्वाइन करने के बाद में? हाँ, 15 साल मैं अंक के साथ ही रहा। अच्छा, NSD गया ही नहीं? NSD गया ही नहीं मैं। NSD में मैंने नाटक किए, अंक ने नाटक किए बहुत सारे, रंग महोत्सव और ये सारी चीज़ें होती है। तो NSD हर साल फेस्टिवल करता है, उसमें जाके हमने नाटक किए, मैं वहाँ गया, लोगों से मिला, जो वहाँ के टीचर्स वगैरह सब। पर फिर मुझे लगा यार वहाँ जाने से अच्छा, दिनेश ठाकुर अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन रहे हैं। और सॉरी मैं पूछ रहा हूँ, वो NSD से थे? उनको NSD में नहीं मिला था एक्चुअली। अच्छा, अप्लाई किया था उन्होंने? हाँ, मनोज बाजपेयी। अच्छा। दिनेश ठाकुर, इन लोगों को NSD नहीं मिला। ओके। अच्छा, तो ये ऐसा एक बोलते हैं ना, जिसको NSD में नहीं मिलता है वो बहुत बड़ा एक्टर बनता है, ऐसा मैंने सुना है। अच्छा, ऐसा भी? हाँ, वो लोग भी बनते हैं। लेकिन नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी मेरे को लगता है वहाँ से ही है ना, NSD से ही है। इरफान खान है, बट शाहरुख खान इज नॉट फ्रॉम NSD। शाहरुख खान इज नॉट फ्रॉम अपन भी का NSD से। तो भाई अंदर से मैं कांदिवली से।
ये भी कांदली शिफ्ट ठाकुर से बोला ठाकुर से ठाकुर से अच्छा हाँ फिर अच्छा मैं वेट कर रहा था वो एनएसजी वाला मोमेंट का हाँ मतलब फिर वो टाइम जैसे जाता गया और मैं बहुत ग्रेजुएशन हो गया तेरा ग्रेजुएशन हो गया मैं और नाटक में इन्वॉल्व होते गया एंड नॉट जस्ट एन एक्टर और भी चीजें करने लगा लाइट भी ऑपरेट करने लगा लाइट डिजाइनिंग करने लगा म्यूजिक में थोड़ा ऑपरेशन में आ गया मुझे अभी भी याद है दिल्ली में एक नाटक किया था उसमें मैं म्यूजिक ऑपरेट कर रहा था और उसमें चीफ गेस्ट थे पंडित जसराज जी अच्छा तो एंड में हम तीन ही लोग थे मतलब एक एक्टर एक म्यूजिक ऑपरेटर और एक लाइट ऑपरेटर म्यूजिक ऑपरेटर मतलब इन द सेंस मतलब क्या कर रहे थे एग्जैक्टली क्या बहुत टाइमिंग होती है कि डायलॉग एक आया है मतलब पता है कब उसके बाद म्यूजिक प्ले करना है अच्छा तो वो सारा म्यूजिक सेट होता है बहुत सारे पीसेस होते हैं म्यूजिक के जैसे ब्लैकआउट हो रहा है शीट होती है ना ओके ओके पूरी शीट बनी होती है जैसे एक 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 सीन खत्म हुआ तो उसके बाद कुछ म्यूजिक बज रहा है ब्लैकआउट में या बीच में कभी कभी ऑडियो भी बजता है कभी कभी ऑडियो भी बजता है लाइक वेल एज अ बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं लाइक अ नरेशन नरेशन बैकग्राउंड म्यूजिक ये सारी चीजें आ जाती ओके तो हम तीन ही लोग थे तो एंड में उन्होंने बोला कि तीनों को इनवाइट किया स्टेज पे तो बोला म्यूजिक में रोहन श्रॉफ थे प्लीज आइए तो मैं गया पंडित जसराज जी मुझे बोलते आप म्यूजिशियन है मैं एक बार के लिए सोच रहा हूँ क्या बोलूँ यार मतलब इतने बड़े लेजेंड मुझे ऐसा पूछ रहे हैं और मैं तो सिर्फ म्यूजिक ऑपरेट कर रहा हूँ मैंने कहा नहीं सर सिर्फ ऑपरेट कर रहा हूँ अच्छा अच्छा ठीक किया मैंने कहा थैंक यू तो क्या बात है तो मतलब बड़ा अचीवमेंट है फिर तभी से म्यूजिक में जाने का मन हो गया नहीं नहीं मैं बहुत बेसुरा भी रहा हूँ और आई थिंक देवेश को याद है मेरे को मालूम है एक बार गाना गवा रहा था मैं बीटल्स में गाना गा रहा था और बहुत इसने मेहनत की थी मेरे पीछे कौन सा वो बिग टॉस वाला बिग टॉस है पॉल वे वाला इंडियन आइडल जैसा था ना वो अरे एक आइडल नट्स एक नाटक कर रहा था मैं जिसमें इप्टा थिएटर के मेन हेड वो आए थे जो म्यूजिक में बहुत मतलब माहिर तो हमको कोरस में बैठना था और गाना गाना था खत्म गया बाय बाय कोरस में उन्होंने पकड़ा मुझे कितनी बार बाप रे कोरस पकड़ा हाँ हाँ अरे भाई मास्टर लोग पकड़ लेते हैं अलग सुर लगाएगा तो कोई भी पकड़ लेगा चुप हो जाने का पीछे से आके बोल खाली हाँ पीछे आके सर पे ऐसे मार सिर मुंह हिलाने का अच्छा वो ही बोले इतना सुर में था समझ रहे सॉरी वील कम बैक टू योर बट सॉरी वो करते करते मतलब फिर ऐसा लगा कि यही सही है मजा आ रहा है एक अपना कम्युनिटी बन चुकी है दिनेश जी का के साथ ग्रुप में मतलब मजा आ रहा है सारे ही चीजों में इन्वॉल्वमेंट ग्रुप बन गया था पूरा हाँ और काफी सारे नाटक कर रहे थे काफी घूम रहे थे इंडिया में तो बहुत घूमे हम अब्रॉड भी हुए कुछ ट्रिप्स फिर धीरे धीरे बस ये चलते गया सारी चीजें उसके बाद 2013 में शादी हुई उसके बाद 14-15 में आई थिंक स्तुति जो मेरी वाइफ है वो फिजिकल थेरेपिस्ट भी है तो वो अपना मास्टर्स ख़त्म नहीं कर पाई थी यूएस में शादी के पहले गई थी और कर नहीं पाई थी तो मैंने उससे कहा कि व्हाई डोंट यू कंप्लीटेड एंड कम बैक ताकि वो डिग्री यूज़ हो ना आपने इतना टाइम दिया है तो उसको करो उस वक्त फिर वो उसने कहा ठीक है तो वापस वहाँ गई यूएस तब मैं थोड़ा टाइम यहाँ था तब भी मैं थिएटर कर रहा था शादी के बाद थिएटर कर रहा था ऑडिशंस पे जाता था ये सारी चीज़ें चलती रहती थी कास्टिंग भी कर रहा था उसके बाद स्तुति के कॉन्वोकेशन के लिए मैं गया यूएस और वहाँ जाके ना एकदम ऐसा लगा कुछ अलग ही दुनिया में आ गया हूँ और मुझे याद है स्तुति ने तब मुझे कहा भी कि यार उसके पहले तक कुछ थॉट नहीं था कोई थॉट ही नहीं था उसने मुझे यही बोला कि तू यूएस कभी आने का सोचा क्यों नहीं जबकि मेरे इतने रिलेटिव्स हैं मेरे मामा और मेरे कजिन्स और इतने लोग हैं यूएस में पर मैंने कभी सोचा ही नहीं था वो कंटेंट यहाँ पे बॉलीवुड यू नो मुंबई लाइफ में बहुत कंटेंट था कि मज़ा आ रहा है तो कभी सोचा ही नहीं था पर वहाँ जाने के बाद एकदम सारी चीज़ें अलग लगने लगी मज़ा आने लगा वहाँ पे जाके हॉलीवुड हो गया पूरा हाँ वहां पे उसको हॉलीवुड हो गया हॉलो लग गया फिर सोचा है कि चलो यार थोड़ा टाइम रुक के देखते हैं कि कैसा लगता है यूएस यू नो रह के अगर क्योंकि स्तुति को अपॉर्चुनिटी थी काम करने की उसका काम सब खत्म होने के बाद डिग्री होने के बाद लाइसेंस था उसके पास वहां प्रैक्टिस करने का पर मैं क्या करूँगा
तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया कि मैं थिएटर वगैरह वहाँ भी अगर कुछ ज्वाइन कर सकूँ. यूनिवर्सिटी है वहाँ पे जहाँ पे वो पढ़ रही थी, वहाँ पे प्रॉपर एक डिपार्टमेंट था. वहाँ फाइंड आउट किया तो उन्होंने बोला कि यार इंडिया में 12+3 होता है हमारे यहाँ पे, 12th के बाद 3 years होता है ग्रेजुएशन, उनको 12+4 चाहिए. ओके. तो बोला तो कि एक साल फेल होके फिर पढ़ना पड़ेगा. सॉरी. नहीं तो उन्होंने बोला कि आप पहले बैचलर्स करो फिर मास्टर्स करो उसके बाद आप इसमें आओगे. तो मतलब 7-8 साल मतलब वहाँ का थिएटर और दो गुना हाँ, आगे चल रहे हैं. हाँ तो बाल सफेद हो जाएंगे इतने में. हाँ बैचलर्स करो मास्टर्स करो बाल सफेद. फिर वो बोलेंगे अभी रुको टाइम है. बैचलर्स करो मास्टर करो बाल डाई करो. फिर क्या तो उस वक्त ना स्तुति ने ऑलरेडी योगा का एक कोर्स किया हुआ था योगा इंस्टीट्यूट यूएस में. नहीं यहाँ इंडिया में जाने से पहले ये सोच के कि एज अ स्टूडेंट आपको थोड़ा टाइम मिलता है करने के लिए काम, तो कुछ इनकम भी चाहिए होती है ना. वहाँ पे थोड़ा इजी नहीं होता है. तो योगा वो कोर्स करके गई थी इसलिए उसने बोला कि तू भी कर ले एक कोर्स और फिर आ वापस ताकि तू कम से कम योगा टीचिंग कर सकता है थोड़ा देख सकता है. तो मैंने कहा अब मैं कहाँ से करूँ क्या करूँ. मैंने थोड़ा बहुत शिवानंदा और ये सब फाइंड आउट किया. कुछ लोगों को जानता था, एक दो लोग समझ में आए जो योगा में थे. फिर स्तुति ने कहा कि मैंने किया वहीं से कर ले अच्छा है इंस्टीट्यूट. ये डिस्कशन यूएस में बैठ के हुआ 2016 में. और मैंने कहा चलो ठीक है. तो मैंने वहाँ से पूरा इंक्वायरी किया और सोचा कि यहाँ आके मुंबई आके 3 महीने का कोर्स था. स्तुति ने किया था 1 महीने का 200 आवर्स का. ओके. और मैंने क्या किया सीधा 900 आवर्स में जंप कर लिया. तो वो एक तरह से थोड़ा सा गलत डिसीजन था पर अब जो होता है अच्छे के लिए होता है. सॉरी. तो 900 आवर्स का वो कोर्स मैंने कर लिया. मैं यहाँ आया और उसमें घुस गया. 10 दिन बाद मुझे लगा कि मैं नहीं कर सकता. अच्छा एकदम. मतलब मैंने काफ़ी पैसे भरे उसके लिए और वहीं रह रहा था. आश्रम वाली फीलिंग थी सब कुछ था. ये सैंटा क्रूज में 10 ही दिन हुए होंगे और मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं निकल रहा हूँ. मैं नहीं कर पाऊँगा यहाँ पे, रह ही नहीं पाऊँगा. योगा मुझसे ना होगा. मतलब जिस तरह की मेरी लाइफस्टाइल रही है उसके पहले थिएटर्स में रात को मतलब थिएटर शोज खत्म होते थे 11, 11:30, 12 बजे. फिर घर पहुंचते 2-3 बज रहे हैं. सुबह आराम से उठ रहे हैं. नाश्ता लंच टाइम पे हो रहा है. तो पूरी लाइफस्टाइल ही अलग थी. वहाँ पे डिसिप्लिन होगा एकदम. और वहाँ पे एकदम डिसिप्लिन. सुबह 5 बजे से आपके क्लासेस शुरू, 5-6 बजे से. और दिन के 14 आवर्स आपके क्लासेस हैं. 14 आवर्स योगा. और 3 महीने 900 अस लिया है तो ऐसे निकलेंगे. तो 3 महीने मंडे टू सैटरडे 14 घंटे आपको मतलब क्लास में और नीचे बैठना है. ऐसा नहीं कि चेयर वेयर मिल रही है बट आसन बिछा के. हाँ मतलब मैट है. हाँ बट फिर भी रेगुलर मैट है उस पर बैठना है. तो मैं तो वो भी कंफर्टेबल नहीं था. तो दो चीज़ें थी. एक तो मेरी बॉडी में इंजरीज बहुत रही है. मैं बहुत ही मतलब बचपन से नॉटी भी था, मस्ती बहुत की है मैंने. तो हर जगह से टूटा फूटा हूँ. एक फन फैक्ट बताऊँ इसका जो बता रहा ना मेरी बॉडी में इतनी इंजरीज हैं. मतलब मैंने तो यकीन नहीं किया था. फिर बहुत टाइम बाद मुझे यकीन हुआ कि अच्छा ये ऐसा कैसे मतलब कैसे पॉसिबल है ऐसा. इसके पैर पे ना तू नेशनल पार्क गया है बोरीवली में. नेशनल पार्क तू गया है. नेशनल पार्क वहाँ पे एक टॉय ये वहीं रहता था. वहीं से पकड़ के लाए हैं इसको. पिंजरे में छोड़ा गया हूँ. गया तो वहाँ पे पता एक टॉय ट्रेन चलती है नेशनल पार्क में. वो इसके पैर पर चढ़ गई थी. क्या बात कर रहा है. रिएक्शन नहीं दूंगा लेकिन इसके पैर पे ना ऐसा घाव है डीप. मतलब प्रॉपर दिखेगा. मतलब वो उसको मिस नहीं कर सकता अगर इसके पैर देखेगा. मतलब ट्रैक के ऊपर तेरा पैर आ गया और उसमें से ट्रेन चली गई. हाँ चली गई है ट्रेन. तो नेशनल पार्क कहाँ. मैंने भी यही पूछा था. मैंने भी तू वहाँ क्या कर रहा है. वो ट्रेन चढ़ी कैसे. मतलब हम ट्रेन पर चढ़ते तेरे पे ट्रेन कैसे चढ़ गई. ट्रेन बोली कि अभी मेरे को तू घुमा. अभी मैं सबको घुमाती हूँ. एनीवेज वो खाली बताने के लिए था. अब उस ट्रैक पे नहीं घुस जाएंगे. खाली बिकॉज ही वाज मेंशनिंग कि इसकी बॉडी में इतनी इंजरीज है. इंजरीज तो बहुत सर से पैर तक बहुत इंजरीज है. फ्रैक्चर्स डिसलोकेशन और मतलब कुछ मारामारी भी बहुत होती थी क्या. नहीं नहीं मारामारी में कभी कुछ नहीं हुआ है. पर ऐसे ही मतलब चोटें लग लग के ऐसा बहुत हो गया. तो नेशनल पार्क वाला जो था उसमें तो बहुत बहुत ज़्यादा चोट लगी थी.
उसमें ऐसा था कि तब मैं 12-13 साल का था और सब हमारे बिल्डिंग से सब 7-8 बच्चे हम लोग 10 में भी शायद सब घूमने गए थे और एक की मदर थी उसकी वार्ड में वो साथ में थी। अब वो ट्रेन बहुत स्लो होती है हाँ, तो आप चढ़ जाओ उतर जाओ। हाँ, वो बहुत कॉमन थॉट होता है हर बच्चे के दिमाग में। ट्रेन स्लो चल रही है तो उतर के चढ़ जाओ। अब वो ट्रेन है तो अपने लोकल ट्रेन जैसे ही, व्हील्स भी उतने ही बड़े हैं वैसे ही हैं, तो मैं उतरा नीचे। अब मस्ती कर रहे थे फ्रेंड्स, यू नो चढ़ने नहीं दे रहे थे, कुछ ना कुछ बोल रहे थे एंड ऑल दैट, और मैं आगे नहीं देख रहा था, मैं सिर्फ ट्रेन को देख के ऐसे भागते जा रहा था। आगे क्या है, एक जगह आती है जहाँ पे एक दीवार आती है, छोटा सा टनल जैसा है, तो वो पैसेज ना नैरो होने लगता है, तो किसी ने देखा होगा और आगे बोला होगा मुझे, अरे उधर देख। तो मैं देख के शायद मतलब वो एक उसे इंस्टेंट पे हो गया कि मुझे समझ में भी नहीं आया कि क्या हुआ। तब तक ट्रेन का वो रॉड शायद यहाँ लगा, यहाँ भी डिसलोकेशन हुआ था, और वो लगने की वजह से मैं शायद गोल घूम के गिर गया नीचे। अच्छा, नीचे गिरा तो पैर ट्रैक पे, ओ, और व्हील ऊपर से चला गया, यहाँ पेल्विक पे फ्रैक्चर हुआ था। तो ट्रेन तो आई थिंक इमीडिएटली रोक दी उन्होंने, सबने चिल्लाया और तो रुक गई ट्रेन। अब मैं उसी दीवार, वो जो दीवार दिखी ना, वहीं पे मैं बैक सपोर्ट लेके बैठा हूँ। मुझे इतनी देर में क्या हो गया कुछ पता ही नहीं चला, इतना फास्ट सब हो गया। तो मैं से हाथ रख के उठने की कोशिश करने लगा और जूते में से दिख भी नहीं रहा है कुछ कि क्या हुआ है, अंदर क्या हुआ है कुछ नहीं पता चल रहा है। तो मैंने से हाथ रखा तो ये जो पार्ट है इसे मूव होने लग गया, ये डिसलोकेट हो गया। तो तब समझ में आया कि भाई कुछ बहुत बड़ा हो गया। वो प्रभुदेव एक ही एंगल बन गया था, एक ही एंगल। अरे बेहतर से आओ। तो वो एक फिर जिम्नास्टिक करने गया उधर। चलो चलो, बीटल नट्स बन जाएगा ये। कटपुटली होती है, भगवान खेल रहा था ऊपर। एनीवे सॉरी, सॉरी। तो हाँ, तो मतलब वो मेजर एक्सीडेंट था। उसके बाद मैं 3 महीने हॉस्पिटल में था, दिस वाज इन 96, तो बहुत सारा लग गया था। तभी तेरे को थिएटर जाना चाहिए था। दिनेश सर के पास, सर मुझे थिएटर कर, तुम पहले हॉस्पिटल ज्वाइन करो, पहले डॉक्टर बन के आओ। सभी तो हो गया अभी। नहीं नहीं, वापस आते हैं। तो हाँ, तो मतलब ऐसे तूने, सॉरी मैं वहां पे ला रहा हूँ वो पॉइंट पे, 10 दिन में तूने सोचा कि यार मैं अभी ये नहीं कर पाऊंगा। हाँ, क्योंकि ये जो लगा हुआ था पैर में, हालांकि इतने साल हो गए थे पर मैं नीचे नहीं बैठ पा रहा था, क्योंकि क्रॉस लेग में बैठने पे वो पार्ट टच हो रहा है, वज्रासन में बैठ रहे हैं तो भी टच हो रहा है, और स्टिफनेस बहुत ज्यादा बॉडी में, क्योंकि मैं जिम बहुत सालों से जा रहा था, तो वो वेट्स कोई वहां पे बताने वाला ही नहीं ना कि स्ट्रेचेस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो स्ट्रेचिंग कभी करते ही नहीं थे, जिम में लगे पड़े। हाँ, लगे पड़े भाई। हाँ, रील्स देखो तो बस वो, नहीं नहीं बहुत इंपॉर्टेंट, हरियाणा पंजाबी वार्म अप और स्ट्रेचिंग, तो वो कोई पंजाबी गाना डाल देंगे। हाँ, ऐसे जट नहीं ऐसे फट नहीं, वो सब करते रहते। एक्चुअली वही सब चलता रहता है, वो लड़कियां भी लग गई एक्चुअली, जिंदगी का फनी पार्टी है। कोई बुराई नहीं उसमें, अच्छी बात है, नहीं करना चाहिए मसल बिल्डिंग के लिए, पर इतना भी नहीं कि मतलब बॉडी अकड़ जाए ऐसे, लोग घूमते ना ऐसे घूमते हैं। शेविंग भी नहीं कर पा रहे। तो बॉडी बहुत स्टिफ थी और बहुत इंजरीज थी, टेल बोन में डिसलोकेशन था, पता नहीं कैसे हो गया। कॉलेज टाइम पे अगर याद हो, बाइक वैसी लेके घूमता था मैं, बकेट सीट और सब करके, तो उससे कुछ हो गया है क्या। तो इतनी इंजरीज, और मतलब मैं जब गया तो मैंने सोचा था कि मतलब आसन प्रैक्टिस होगी बस, और क्या होगा। बाद में वहां जाके 14 घंटे जब बैठना पड़ रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ यार पूरा दिन तो आसन प्रैक्टिस होगी नहीं, ये कहाँ से आया। मतलब फिर सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, योगा फिलोसफी आ रहा है, योगा सूत्रास, उसके बाद भगवद गीता, फिर काउंसलिंग हो रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है, योगा, फिर एनाटॉमी फिजियोलॉजी आ रहा है, जो मतलब स्कूल में हम भागते थे नहीं सीखना है बॉडी के अंदर क्या है, नहीं जानना है। ये सोच के गया था कि यार कुछ चल एक कोर्स कर लेते हैं। हाँ, मतलब मैंने सोचा कि यार जाऊंगा, एक फिजिकल प्रैक्टिस होगी, थोड़ा समझ लूंगा आसन कैसे करते हैं, क्या करते हैं, जाके सिखाऊंगा बस, वो बेसिक योगा होगा। हाँ, बेसिक, पर ये तो मतलब कुछ अलग लेवल था, डीप डीप था, डीप था इतना। और उस टाइम पे ये नहीं सोचा था कि मैं कंप्लीटली योगा में शिफ्ट हो जाऊंगा और एक्टिंग छोड़ दूंगा या थिएटर डिसकंटिन्यू कर दूंगा, ये सोचा नहीं था, बिल्कुल नहीं सोचा था। बस ये था कि चलो थोड़ा टाइम यूएस में रहना है,
वहाँ की लाइफ थोड़ी सी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, थोड़ा सा ब्रेक हो जाएगा। स्तुति काम कर रही होगी तब मैं अपना थोड़ा सा इस तरह से योगा करके सिखा के कुछ अर्न कर लूंगा। बस ये था थॉट। यहाँ तो मतलब दिन ब दिन सब चेंज ही होते गया। फिर 10 दिन बाद मेरे बैचमेट्स और सब मुझे बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, यार छोड़ मत, तूने अभी इतना स्टेप लिया है, इतना खर्चा किया है, ऐसे छोड़ देगा तो वापस कभी मौका नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा चल, पता नहीं फिर कुछ हुआ, मुझे लगा कि चलो लेट्स ट्राई कंटिन्यू। क्योंकि एक तो सुबह उठना नहीं हो रहा था, कभी जिंदगी में नहीं उठे थे सुबह 5 बजे 6 बजे, और उठने के बाद मेडिटेशन करने बोल रहे हैं। वो तो हमारे सोने का टाइम है। तो नींद आ रही है और पूरा दिन इतनी प्रैक्टिस हो रही है कि शाम को मतलब पेन हो रहा है पूरी बॉडी में हर जगह सोने से। और देख रहा हूँ मैं कि मेरे जो बैचमेट्स हैं सर अपना नीज पे टच कर पा रहे हैं और क्या क्या मतलब स्प्लिट कर रहे हैं, मतलब वो फ्लेक्सिबल हो गए। नहीं नहीं, लेकिन वो काफी टाइम से योगा प्रैक्टिस कर रहे थे, उसके बाद में वो लोग यहाँ इस लेवल पे आए और ये भाई साहब सीधा जंप मार लिया, सीधा जंप मार। मेरे जैसे 2-3 लोग थे, मैं उनको ही देखता रहता था कि भाई ये भी नहीं कर पा रहे हैं, और थोड़ा ठीक लग रहा था कि कहाँ हूँ मैं, ये इंडियन टॉयलेट में भी बैठ नहीं पा रहा था। नहीं बिल्कुल नहीं, फ्लेक्सिबल नहीं था। मतलब उन लोग सर घुटने पे टेक रहे थे और इसने वहां जाके घुटने ही टेक दिए कि मेरे से नहीं होगा। ओके फिर वो 3 महीने किया मैंने, कोर्स कंप्लीट किया, उसके बाद मैं और एक स्कूल गया मैसूर में, वहां भी मैंने एक 200 आवर्स का किया। मतलब वो 900 फिर कंप्लीट किया। किया मैंने कंप्लीट और अच्छा लगा करने के बाद, एक्सपीरियंस वाज गुड। उस वक्त भी ऐसा नहीं था माइंड में कि अब एक्टिंग छोड़नी है और योगा टीचिंग ही करनी है। अच्छा, वो थॉट आई नहीं रहा तब तक। ओके फिर यू वेंट टू मैसूर। मैसूर जाके और एक कोर्स किया, क्योंकि एक गवर्निंग बॉडी है योगा अलायंस। अच्छा, तो यूएस में वो यूएस का ही, यूएस की कंपनी है, तो आपके पास योगा अलायंस सर्टिफिकेट है तो आप कहीं भी सिखा सकते हो। इन यूएस बेस्ड कंपनी यहाँ पर है, मतलब इंडिया, मतलब जैसे यहाँ आयुष है। हाँ। अपने इंडिया में आयुष है। आप अब थोड़ा सा ऐसा हो गया कि अगर आपके पास आयुष सर्टिफिकेट है, अभी तक कंपलसरी शायद नहीं हुआ है, शायद आने वाले समय में हो जाएगा, हो जाना चाहिए, बेटर हो जाएगा तो अच्छा है। कि तो वो क्या करता है कि जैसे आप मास्टर्स कर रहे हो या बैचलर्स कर रहे हो किसी फील्ड में, वैसे ही आप योगा में वो डिग्री ले रहे हो, तो आयुष से एक सर्टिफिकेट आ रहा है गवर्नमेंट से कि अच्छा रिकग्नाइज कर रहे हैं कि आप योगा टीचर हो। अच्छा, वैसे योगा अलायंस है और अलग कंट्रीज में दूसरे भी हैं गवर्निंग ऐसे। मतलब ये योगा अलायंस इज ओनली कॉन्टेक्स्ट टू यूएस। यस राइट। तो मैंने सोचा मैं यूएस जा रहा हूँ, योगा इंस्टीट्यूट वो तब एक्रेडिट नहीं कर रहा था योगा अलायंस, तो मैंने कहा यार 900 घंटे तो कर लिए पर मैं वहां जाके कैसे सिखाऊंगा अगर मैं योगा लाइसेंस चाहिए। तो मैं मैसूर गया, बस ये रीजन से गया। एक और कोर्स किया 200 आवर्स का, वो और मतलब मतलब उसमें और टेंशन आ गया क्योंकि वो एडवांस। अच्छा, हाथ योगा यहाँ पे तो फिर भी बेसिक सा चल रहा था, वहां जाके मतलब वो टीचर इतना पुश कर रहे हैं और बोल रहा है कि ये करो ऐसे आना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ यार मेरी बॉडी नहीं मतलब कर ही नहीं पा रहा हूँ तो क्या करूँ। तो है क्या ये एग्जैक्टली हठ योगा क्या है? हठ योगा भी एक फिलॉसफी है और एक प्रैक्टिस है। तो उसमें आप अलग अलग टेक्स्ट है, तो बोलते हैं 84 पोस्चर्स हैं। ओके, वो 84 आसन जो है उसके बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, आप अलग अलग करते हो। हाथ योगा स्टैंडिंग में, सिटिंग में, हाथ योगा, हाथ योगा, हाथ योगा है, अष्टांग योगा है, तो बहुत सारे ऐसे अलग अलग फॉर्म्स है। तो मैंने हाथ योगा का ये कोर्स किया और इसमें आई थिंक 50-60 पोस्चर्स उनको सिखाने थे उसमें। अब वो सारे मतलब करवा रहे हैं पर मुझसे तो हो नहीं रहे। 22-26 दिन का प्रोग्राम था, मैंने किया, कैसे कैसे निपटाया, हर जगह दर्द वर्द लेके मैं फिर यूएस गया। और तब तक भी नहीं था कुछ ऐसे, बट वहाँ जाके फिर मैंने बहुत पढ़ाई स्टार्ट की यूएस जाके। यूएस जाके मैं यहाँ से कुछ बुक्स लेके गया अपने साथ, योगा के कॉन्टेक्स्ट में। योगा के कॉन्टेक्स्ट में क्योंकि मुझे लगा कि अब ये शुरुआत है, थोड़ा समझना पड़ेगा, नहीं तो स्टूडेंट्स मिलेंगे मुझे, मैं क्लास लूंगा। कि मैंने यहाँ जो कल्चर देखा कि लोग क्या क्या क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, अब मैं वहां जाके सिखाऊंगा और लोग पूछेंगे, मेरे पास आंसर नहीं होगा तो हाँ अजीब तो लगेगा, अजीब लगेगा। मैं ये भी नहीं चाहता था कि लोगों को लगे कि यार मैं एकदम ही नया हूँ। तो मैंने फिर 6 महीने लिए पढ़ाई करने के लिए और साथ में प्रैक्टिस करता रहा मैं अपनी यूएस में। तब स्तुति अपनी पढ़ाई भी कर रही थी, जॉब भी कर रही थी। फिर मैंने अप्रोच करना स्टार्ट किया कुछ योगा स्टूडियोज को, और उसमें से एक स्टूडियो ओनर को मैं मिला। आज वो मेरी बहुत बहुत अच्छी फ्रेंड है, अमेरिकन है। okay. और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे। तो ये एक चेंज तब से स्टार्ट होने लगा मेरी लाइफ में, कि जब तक मैं थिएटर में था
तो बहुत क्रिटिसिज्म देखता था मैं कॉन्टेक्स्ट टू एवरीथिंग. आपने नाटक देखा, मुझे आज भी याद है सुकांत अपने साथ था बीटल्स में, मैं उसका एक नाटक देखने गया जब नए नए दोस्त बने तो उसने मुझे बताया उसका एक नाटक है पृथ्वी में, मैं देखने गया. अब देखने के बाद आप बोलोगे यार क्या मजा आया, कितना अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छा नाटक था, सेट अच्छा था, लाइट बहुत अच्छी थी, डायरेक्शन बहुत अच्छा था, आप ऐसी बातें करोगे ना. तू सुकांत का प्ले देखने गया? मैं देखने गया. अब देख के मैं उसको क्या बोल रहा हूँ, यार ये अच्छा हो सकता था, इधर सुधार हो सकता था, ये मजा नहीं आया. ये ट्रांजिशन मुझे ना वहां जाने के बाद, यहां से ही मतलब थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया था योगा में आने के बाद, कि मैंने देखा लोग कितनी तारीफ कर रहे हैं. मुझे याद है योगा इंस्टीट्यूट में जब मैं 3 मंथ्स का कोर्स कर रहा था तो एक लड़की बिहार से थी और हमको प्रेजेंटेशन देना होता था जो कंपलसरी था, क्योंकि एज अ टीचर आपको कितने लोगों के सामने खड़ा रहना पड़ता है, बात करनी पड़ती है, तो वो फियर निकालना जरूरी है. वो लड़की 18 साल की उस वक्त, 18 की थी, और वो बेचारी बहुत नर्वस थी यहाँ पे सैंटा क्रूज में, एंड शी वाज डूइंग अ टीटीसी विद अस, मेरी बैचमेट थी. और जब उसका प्रेजेंटेशन खत्म हुआ तो सब लोग ना उसकी तारीफ कर रहे हैं, स्माइल कितनी अच्छी है, आप आपने ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, मतलब उसको कॉन्फिडेंस दे रहे, कोई ये नहीं बोल रहा है. और मैं बैठे बैठे सोच रहा हूँ कोई गलतियों पे क्यों नहीं नोटिस कर रहा है कि बता रहा है कि भाई ये भी ठीक हो सकता है. पर ये धीरे धीरे समझ में आया कि आप गलतियां ही पकड़ते रहोगे तो सामने वाला थोड़ा सा आपसे दूरी बना ले, बोलेगा यार हमेशा क्रिटिसाइज कर. और ये नेचर हो गया था जो मुझे लगता है, एटलीस्ट मेरा तो था, मुझे नहीं पता बाकी लोगों के साथ, एक पर मेरा नेचर तो क्रिटिकल नेचर हो जाता है, एक सिनिकल नेचर हो जाता है, अजीब सा हो जाता है कि हर हमेशा बस वही देख रहे हैं. हाँ, अगर मैं नाटक देख रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि लाइट्स कैसी है या म्यूजिक कैसा यूज कर रहे हैं, टाइमिंग कैसा जा रहा है, और फिर मैं इन चीजों को पकड़ के ना जैसे वो बता रहा हूँ एक्टिंग में, यार ये मिस हो गया आपका डायलॉग भूल गया या ऐसा. मेरे गुरुजी बोलते हैं कि वो चींटी को अगर आप ताजमहल में भी छोड़ोगे तो गड्ढा ढूंढेगी. तो ये भी एक तरह का रीजन हो सकता है तेरा कि मतलब यहाँ पे रिस्पेक्ट है और पॉजिटिव सब लोग उसमें रहते हैं. बहुत पॉजिटिव थी, उसने बहुत एक्सट्रीम डिफरेंस देखा इन अप्रोच. मैं जब यूएस में था तो लोगों ने जितना हेल्प किया, सपोर्ट किया, अब वहाँ में जाने के बाद ऐसा नहीं है कि जाके सीधा गाड़ी खरीद ली. तो स्टूडियो मेरे घर से दूर था. अब क्रिस्टल जो ओनर थी उसने कहा कि ठीक है मैं तुझे टीचिंग की अपॉर्चुनिटी दूंगी, पर तुझे 6 बजे का क्लास लेना पड़ेगा सुबह. ओके. क्योंकि मैं वो क्लास रिवाइव करना चाहती हूँ, किसी और टाइम पर नहीं दे सकती. अच्छा. तो रोज करेगा? मैंने कहा मैं रोज करूँगा. बोल तो दिया. मार्च का महीना, ब्लूमिंगटन इंडियाना एक जगह है जहाँ पे रास्ते हैं ना, पूरे पूरे टाउन में रास्ते ऐसे हैं. अच्छा. ऐसे ही बने हुए हैं पूरे रास्ते. अब जाऊँ कैसे? सुबह 6 बजे बस सर्विस चालू नहीं होती है वहाँ पे, यूनिवर्सिटी टाउन है इसलिए लेट स्टार्ट होता है सब, 7:30-8 बजे के बाद. तो मैंने कमिट कर दिया कि 6 बजे क्लास लेगा. तो उसके लिए मुझे घर से 5:30 तक तो निकलना पड़ेगा. हाँ. और ठंड मतलब मार्च में भयंकर. तो मैंने भी होता है स्नो हुआ था जब मैं एक बार गया था, बट उस वक्त नहीं था, मतलब इट्स नॉट अ स्नो सीजन. हाँ, मार्च में स्नो नहीं. तो मैंने एक साइकिल खरीदी वहाँ से, बाइसिकल $20 में, एक सेकेंड हैंड बाइसिकल खरीदी. अच्छा. उसमें गियर्स नहीं, तो जो हालत हो जाती थी वो पूरे रास्ते में. और मैं उसी में आधा योगा हो जाता हूँ. हाँ, मतलब और मैं पहन के जा रहा हूँ मतलब 3-3 लेयर, बट अंदर आधे रास्ते पसीना, और कोई ऑप्शन नहीं. फिर वहाँ जाके अंदर जाके 6 बजे का क्लास लेता था मैं रोज. मतलब कभी कभी ऐसा हुआ है कि टायर ही पंचर हो गया, सुबह निकला हूँ 5:30-6 बजे, और अब स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं. मेरी वजह से क्या हुआ, वो क्लास रिवाइव हुआ तो लोग आने स्टार्ट हो गए 6 बजे. अब मैं जाऊँ कैसे? और मेरे लिए हमेशा से एक चीज़ रही है कि कमिटमेंट अगर मैंने किया है तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैं नहीं पहुँच पाया. तो अब मैं क्या करूँ? और ये क्रिस्टल और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने इतना हेल्प किया. सुबह मतलब उसकी न्यूबॉर्न बेटी थी, वो सब छोड़ के वो मुझे लेने आई, ड्रॉप किया. तो ये सारी काइंडनेस दिखने लगी मुझे, क्योंकि वो भी बहुत सालों से योगा प्रैक्टिस कर रही है. हाँ, एक वहाँ पे स्टूडेंट आने लगी मेरी, काफ़ी एज में थी. उनके हस्बैंड वहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं. मतलब स्टूडेंट्स हैं तो अफोर्ड नहीं कर सकते ना चीज़ें, तो वो अपने यहाँ से बहुत सारी चीज़ें उनको देते हैं. यू वोंट बिलीव इट, उन्होंने अपनी मर्सिडीज पुरानी मुझे दे दी. क्या बात कर रहे हो? बोला कि तू रोज़ ये सब मत कर, गाड़ी में जा. तो मतलब उन्होंने दे दी मुझे वो गाड़ी, मैं रोज़ उसमें जा रहा हूँ आ रहा हूँ. इट्स अ वेरी बिग थिंग.
यही टर्निंग पॉइंट था इसका। तो ये सब चीजें देख के ना मुझे ऐसा लगा कि कितना काइंडनेस है यहाँ। मतलब हम सिर्फ सोचते रहते हैं कितना हेट्रेड है, लोग डिसलाइक कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, पर ये साइड है, मतलब लोग इतना कर रहे हैं। वही ऐसा इसलिए लग रहा होगा जिस फील्ड में पहले था, ये थिएटर्स में, इसमें ये सब चीज़ काफ़ी होती होंगी, तो हमेशा चीज़ें आई एंड फेस करनी पड़ती होंगी, और यहाँ पर उसको बहुत अप्रिशिएशन, पॉजिटिविटी सब देखने मिल रही है। यहाँ पे रिस्पेक्ट ही नहीं थी। ऑडिशन के लिए अगर जाओ, यू डोंट फिट, ये नॉट फिट जो एक बैठ गया था ना, कहीं भी जाओ नॉट फिट, और जिस तरह से ट्रीटमेंट मिलती है एक एक्टर को, पैसे मिलते हैं जिस तरह से वहाँ पे, मतलब मैंने देखा कि यार बिना बोले मुझे एक एनवलप छोड़ के जाती थी क्रिस्टल हर हफ्ते, जबकि मैं तो स्टूडेंट वीज़ा पे था, तो मैं लीगली काम भी नहीं कर सकता, बट वो एक जेस्चर। यहाँ पे आप मतलब क्राइम पेट्रोल में काम किया, ये 2014-15 की बात होगी, मतलब वो किस चीज़ पे आर्ग्यूमेंट कर रहा है वो एडी जो भी है, 2000-3000 पर डे, मतलब कोई वैल्यू नहीं है। तो इसीलिए ना माइंड ऐसा हो जाता है मुझे लगता है। और ये इतने सालों तक तू 15 साल तक ये देख रहा है, कॉन्स्टेंटली देख रहा है, हालांकि तेरा पैशन, फर्स्ट लव अगर मैं बोलूं एज अ प्रोफेशन, तो बनना ही था एक्टर देखो, बट पर फिर बहुत सारी चेंजेस भी आते गए। जैसे एज एन एक्टर बहुत डिस्ट्रैक्टेड भी था मैं, अब मैं पीछे देखता हूँ तो, और योगा में आने के बाद बहुत सारा फोकस आया, बहुत मजा आने लगा। मजा तब भी आता था, पर स्ट्रेसफुल भी था एज एन एक्टर, बहुत सारे बहुत स्ट्रेसफुल भी रहा, क्योंकि हमारे जो एम्बिशन है वो इतने बड़े हैं कि उसको अचीव करना हर एक के बस की बात नहीं है ना, और उस प्रेशर में आदमी जीता रहता है कि मेरे को एक्टर बनना है या तो हीरो बनना है, 90% तो उसको लीड करना है, लीड ही करना, बाकी कुछ तो करना ही नहीं है। एग्जैक्टली वही होता है माइंड में कि यार मैं तो अच्छा दिखता हूँ, पर्सनैलिटी है और एक्टिंग भी कर रहा हूँ, लोग तारीफ भी कर रहे हैं, तो मुझे तो मिल जाएगा। पर मिल जाने के लिए, थोड़े टाइम पहले मैं देख रहा था शाहरुख खान का एक इंटरव्यू, जिसमें उसने कहा कि यार हार्डवर्क सिर्फ तब तक नहीं है जब तक आपको मिल जाए, आपको उसके बाद भी करते रहना पड़ेगा, उसके बाद तो ज्यादा है। तो वो बहुत लोग मिस करते हैं, जो मैंने भी मिस किया है वेरी ऑनेस्टली, कि मुझे काम मिलने लगा पर मैंने फिर वो हार्डवर्क ना मेरा कम हो गया, छोड़ दिया। पैशन मतलब था कि हाँ एक्टर तो बनना है, पर वो नहीं था जो अब योगा में समझ में आता है। राइट, तो मैं वापस आया इंडिया, यहाँ आने के बाद भी वही काइंडनेस वापस मुझे देखने मिली इन दैट फील्ड। मैं गया योगा इंस्टीट्यूट, मैंने कहा कि अब मैं वापस आया हूँ और मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ, मैं यहाँ काम करना चाहता हूँ। योगा इंस्टीट्यूट जहाँ मैंने अपना पहला टीचर ट्रेनिंग कोर्स किया, उसके बाद मैं और भी स्कूल्स में गया, ईशा योगा गया, मैंने 900 में लगा तो नहीं दिया थोड़ा फिर से 900 अब तो भागना पड़ता अभी 1800 पर वो अक्षय कुमार का ना, अरे मेरे को चक्कर आ रहे सॉरी। सो इंस्टीट्यूट वेलकम विद ओपन आर्म्स, मतलब उन्होंने बोला कि यार ठीक है आ जाओ, और तुरंत काम देना शुरू कर दिया। अच्छा, मतलब उन्होंने कहा एज अ ट्रेनर, एज अ ट्रेनर, एज एन इंस्ट्रक्टर, उन्होंने कहा आपको इंटर्नशिप तो करनी पड़ेगी जो कंपलसरी है, जो समझ में आता है। और वो पेड था, पेड इंटर्नशिप? नहीं, इंटर्नशिप पेड नहीं होता है। तो योगा भी अब आई थिंक धीरे धीरे, आई थिंक नरेंद्र मोदी ने उसको जब से IDY इंटरनेशनल डे ऑफ योगा बनाया है, तब से उसका थोड़ा सा प्रमोट हो गया है वो, उस तरह से कि लोग भी पे करने लगे हैं। ओके, मेरे बहुत स्टूडेंट्स हैं US में ज़्यादातर, तो दे डोंट स्टिल डोंट माइंड पेइंग कि यार अगर 1000-1200-1500 रुपये एक सेशन के देने हैं, तो अभी यहाँ पे धीरे धीरे वो चीज़ें बदल रही है। गलत नहीं है, क्योंकि इतने सालों तक यहाँ पे जिस तरह से कल्चर था, अचानक आप बोलोगे कि इसका प्राइस टैग है तो लोग बोलेंगे यार नहीं करना है, और ऑप्शंस बहुत है। तो इंस्टीट्यूट ने बोला इंटर्नशिप करो और उसके बाद हम आपको काम देना शुरू करेंगे। अच्छा। पर ऐसा हुआ कि साथ में ही मुझे काम देना शुरू कर दिया उनके। अच्छा। अलग अलग ब्रांचेस में मैं जाके क्लासेस लेने लगा, और क्या हुआ कि मुझे बहुत मजा आने लगा, तो मैं ज़्यादा पढ़ाई करने लगा, ज़्यादा समझने लगा, और लोगों को क्लास अच्छे लगने लगे जो मैं करवा रहा था। हालांकि लिमिटेड नॉलेज थी, इसीलिए ये था कि करते रहना है, पढ़ते रहना है और कोर्सेज करते रहना है। तो ओवर द इयर्स मैं अलग अलग स्कूल्स में जाके मैंने और कोर्सेज किए, मैंने मास्टर्स भी किया योगा में SVSI यूनिवर्सिटी से। SVSI बहुत ही रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है बैंगलोर में। तो क्या होता है कि आप किसी ऐसे कोर्स में जब एनरोल होते हो तो एक स्ट्रक्चर होता है,
नहीं तो आपको समझ नहीं आता है। आपने स्टार्ट में पूछा ना कि आई थिंक रिकॉर्डिंग के पहले पूछा था कि गुरु का कितना इम्पोर्टेंस है, महत्व है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं तो आपको पता ही नहीं है कि किस डायरेक्शन में जाना है। राइट, वरना ज्ञान तो बहुत है, ज्ञान तो सब जगह छपा हुआ है, उसको एक्सप्लेन कौन करेगा। करेक्ट, तो योगा करना है पर क्या करना है, कहाँ जाना है और आपके लिए कौन सा फिट है, वो भी तो इम्पोर्टेंट। एग्जैक्टली, आपको क्या अच्छा लग रहा है। आज एक ही घर में मैं और मेरी वाइफ दोनों योगा टीचर्स हैं, उसकी प्रैक्टिस मेरे से अलग है। अच्छा, वो कुछ और एंजॉय करती है, मैं कुछ और एंजॉय करता हूँ। मुझे थोड़ी डायनामिक प्रैक्टिसेस पसंद है, उसको थोड़ी कामिंग प्रैक्टिसेस पसंद है, तो वो ऐसा भी होता है। तो वो समझना बहुत जरूरी है कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, और वो आपको कोई गाइड करेगा तो ही पता चल सकता है, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल। सो मतलब बिफोर वी डाइव इनटू द महासागर ऑफ योगा, व्हाट वाज दैट मोमेंट, मतलब जहाँ से हमने शुरू किया था कि वो मोमेंट फाइनली कौन सा था, व्हेन यू डिसाइडेड कि नहीं अब मैं थिएटर से संन्यास ले रहा हूँ या छोड़ रहा हूँ, पार्शली पॉज कर रहा हूँ, व्हाट एवर यू वॉन्ट टू, हाउ एवर यू वॉन्ट टू कोट इट, व्हाट वॉज दैट मोमेंट। तो मैं यूएस से वापस आया,